हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीत रेसिपीज में। तो आज हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। बिल्कुल डोमिनोज जैसा गार्लिक ब्रेड हम घर पे कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वो मैं आपको सबसे आसान रेसिपी के साथ बताऊंगी। तो गार्लिक ब्रेड तो हमारे बच्चों को कितना पसंद होता है आपको पता ही है। तो बिल्कुल वैसा ही डोमिनोज जैसा ही गार्लिक ब्रेड मैंने आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो ऐसे मैंने 50 ग्राम बटर लिया है, मैंने इसको बाहर रखा था, फ्रिज में नहीं रखा था। तो इसके साथ ही मैंने लिया है 8 से 10 लहसुन की कलियां ली है, जिनको हमने ऐसे क्रश करना है इसमें। तो हम इसमें डाल देते हैं अभी से। और इसके साथ ही मैंने लिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसके साथ ही मैंने लिया है मोजरेला चीज यानी कि पिज्जा चीज। इसके साथ तो गार्लिक ब्रेड का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो मैंने मोजरेला चीज को पहले से ही ग्रेट कर लिया है। तो अब हम लहसुन की कलियों को अच्छे से क्रश कर लेते हैं। तो ऐसे देखिए मैंने लहसुन को बिल्कुल क्रश कर लिया है, बिल्कुल फाइन क्रश कर लिया है हमने इसको। तो अब हम क्या करते हैं, अपने बटर को पहले मेल्ट कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने पैन को थोड़ा गर्म कर लिया है, अब मैं सारा बटर इसमें डाल दूंगी। मैंने लगभग 50 ग्राम बटर लिया है। तो ऐसे हमने अपने बटर को मेल्ट कर लेना है अच्छे से। तो देखिए हमारा बटर मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ लहसुन। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच लहसुन है। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी इसमें, लगभग 1 मिनट तक हमें इसको भुनना है। ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का भुनना ही है हमें इसको 1 मिनट तक। तो 1 मिनट तक हमने अपने लहसुन को भी अच्छे से पका लिया है। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे इसको। तो ये देखिए हमारा बटर भी थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो इसके साथ ही मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूंगी। तो धनिए को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। तो इसके साथ ही मैं 1 पिंच के बराबर यानी कि 1 चुटकी के बराबर नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आप नमक नहीं भी डालना चाहते तभी भी चलेगा, क्योंकि बटर में भी थोड़ा सा नमक होता ही है। तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसको ब्रेड पे लगाते हैं। तो ऐसे मैंने व्हाइट ब्रेड ली है, आप चाहो तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इस पे बटर को स्प्रेड कर लेते हैं अच्छे से। हर तरफ हमें फैलाना है बटर को, क्योंकि ये मेल्टेड बटर है तो इजीली फैल जाएगा। इस तरीके से आप इसको हर तरफ फैला दीजिए चम्मच की मदद से। तो ऐसे ही एक ब्रेड पे मैंने बटर को लगा लिया है। अब इसी तरीके से मैं दूसरे ब्रेड पे भी लगा लूंगी। तो आपने हर तरफ बटर को स्प्रेड कर देना है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पिज्जा चीज ग्रेट कर देंगे अच्छे से। ये पिज्जा चीज की आप अमाउंट अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना भी आपको पसंद है। अगर ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसे पहले से ही पिज्जा चीज को थोड़ा सा ग्रेट करके रखा था, मैं ये भी यूज कर रही हूं इसी में ही। तो ऐसे हमने इसको फैला देना है ब्रेड के हर तरफ। तो ऐसे मैंने ब्रेड और लिया है और इस पे बटर लगा लूंगी मैं अच्छे से। तो अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। तो ऐसे एक और ब्रेड ले लेते हैं और उस पर भी बटर को लगा लेते हैं। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप बटर को थोड़ा कम भी लगा सकते हैं। वैसे भी ये जो बटर मैं लगा रही हूँ ये 0 फैट बटर है। तो अब ऊपर वाली साइड पे भी हमें बटर को ऐसे ही स्प्रेड कर देना है अच्छे से। हर कोने पे आप बटर को लगाइए। तो चलिए अब हमारे ये ब्रेड रेडी है, अब हम इसको तवे पे लगाते हैं। तो ऐसे मैंने तवे को हल्का गर्म कर लिया है और गैस की आंच जो है वो बिल्कुल लो कर दी है। तो अब हम बटर वाली ब्रेड को इस तरीके से रखेंगे ऐसे। दोनों ब्रेड्स को रख के इसके ऊपर भी हम ऐसे ही बटर लगा देंगे अच्छे से फैला के। तो हमें तवे पे बटर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ब्रेड को रखने से पहले, क्योंकि हम ब्रेड पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा बटर लगा चुके हैं। तो अब हम इसको ढककर पकाएंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ऐसे हम इसको ढक देंगे और गैस की आंच आप बिल्कुल लो कर दीजिए, ताकि आपका जो ब्रेड है वो जले ना। तो लगभग 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम अपनी ब्रेड की जो साइड है वो चेंज कर देते हैं।
तो ऐसे हम इससे इसकी साइड चेंज कर देंगे और देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारी ब्रेड का। हम साथ साथ इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस भी करते जाएंगे ऐसे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ऐसे इसको हल्का हल्का हल्के हाथों से ही आप प्रेस कीजिए और फिर से हम इसको ढक कर पकाएंगे ऐसे ही लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। तो फाइनली लगभग 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको फ्लिप करके चेक कर लेते हैं कि दूसरी साइड से भी पका है या नहीं। तो देखिए दूसरी साइड से भी कितना अच्छा कलर आया हमारी ब्रेड के ऊपर। तो ये अच्छे से पक चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से प्रेस करके इसके कोने जो है वो भी अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ये रेडी है, इसके कोने भी पक चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप चाहो तो इसको सर्व करने से पहले इसको ऐसे कट भी कर सकते हो। और लगभग 2 मिनट तक ये पकी है, तो हमारा ये पिज़्ज़ा चीज़ भी जो है वो अंदर तक अच्छे से पक चुका है, सॉफ्ट हो गया है, मेल्ट हो चुका है, ये देखिए। तो बिल्कुल डोमिनोज जैसा हमारा ये गार्लिक ब्रेड बनके रेडी है। तो आप इसको सर्व करने से पहले इसके ऊपर मिक्स हर्ब्स और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसके साथ इसका। तो देखिए कितना बढ़िया और आसानी से बनके हमारा ये गार्लिक ब्रेड रेडी हो गया है। तो आप भी ऐसे बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।